इंसानियत की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता। भगवान ने दो हाथ इसलिए दिए हैं कि पहले हाथ से खुद की सहायता करें तो दूसरा हाथ हमेशा दूसरों की सहायता के लिए बढ़ाएं। ये कहना है आम जन की परेशानी से मुक्ति के लिए हर समय मौजूद रहने वाले बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के युवा समाज सेवक पद्माकर सिंह लाला का, जो अपनी दिन भर की भाग दौड़ वाली जिंदगी के बावजूद हर दिन शाम को कम से कम दो वास्तविक तौर पर गरीब और बेसहारों, परित्यक्त, मजलूमों इत्यादि की समस्तीपुर शहर में खोज कर उन्हें शाम रात का नाश्ता भोजन उपलब्ध कराने के बाद जुटे रहते हैं, वो भी बिना कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी तंत्र के सहायता से। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामों के प्रति पेशे से पत्रकार पद्माकर सिंह लाला हमेशा एक कुशल सारथी का किरदार निभाते हैं। आम जन से लेकर विशेष व्यक्तित्व के बीच हमेशा मौजूद रहने वाले पद्माकर सिंह लाला पिछले डेढ़ दशक के लंबे वक्त से पत्रकारिता में अपनी सशक्त, निर्भीक और बेबाक लेखनी के द्वारा समाज में घटित अलग अलग समसामयिक विषयों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का इनका जज्बा वास्तव में अनुकरणीय और प्रेरक है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में ज्यादा तंगी, भेदभाव और उपेक्षात्मक गतिविधियों के शिकार होने के बावजूद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश की अनमोल धरोहर मिथिला पेंटिंग का प्रचार करने के लिए और सामाजिक सरोकार से जुड़े अलग अलग कामों के लिए पद्माकर सिंह लाला को नेपाल में आयोजित कार्यक्रम में इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामांचल इलाके मऊ गांव निवासी पद्माकर सिंह लाला सामाजिक, सांस्कृतिक तथा युवा मसलों से जुड़े गतिविधियों में अपने किरदार से समाज को नई दिशा देने में जुटे रहते हैं। वक्त वक्त पर इनके समारोह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर भी प्रसारित होते रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर यही वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।